झुंझुनू के मुकरनगढ़ में वर्कशॉप में खड़ी कार में आग लग गई। आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन। अग्निशमन ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट होने से तार कार पर गिर गया। गमनीय रही कि हादसे के समय कार के पास कोई व्यक्ति या मजदूर नहीं था, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। वर्कशॉप के मालिक याकूब अली ने बताया कि वर्कशॉप में कार का ट्रेडिंग पेंटिंग का काम चल रहा था। अपने क्या अपनों का डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप मुकुंदनगर मंडी में है। यहाँ की जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, इस वजह से अपनी एक गाड़ी थी उसमें आग लग चुकी है, पूरी तरह से जल चुकी है। बुझाने का काफी प्रयास किया पर अम्बुलेंस से अपने जो अग्निशमन यंत्र है फायर ब्रिगेड ये आने में थोड़ी सी लेट हो चुकी, इस वजह से मतलब बहुत परेशान मतलब अपने नुकसान भी हुआ है। गाड़ी पूरी जल चुकी है, बाकी तो और काफी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी और ये केबल वगैरह इनका ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आग किस प्रकार पकड़ी है गाड़ी? ये सर अंदर काम चल रहा था, इसमें लाइट में शॉर्टकट कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से अपने ये आग लग गई है। स्थानीय लोगों का बताना कि साइड में भी कोई आग जल रही थी उसकी वजह से। देखो इस चीज का अभी तक हमारे को कंफर्म नहीं है कि किस चीज से, पर तो जो फॉल्ट हुआ ना गाड़ी पे, वो जो वायर था ना वो गाड़ी पे पड़ा जल चुका था, वो गाड़ी के नजदीक हम जा नहीं सके, तो गाड़ी को अपन कैसे आग बुझा सके क्योंकि आग ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी थी यहाँ पे।